हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 14 फरवरी 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ूंगा, जानकारी दूंगा हमारे कोर्स और नोट्स के बारे में। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए हमारे प्रिंटेड नोट्स की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 20 फरवरी तक अगर आप इन नोट्स को बुक करते हैं तो ये आपको मात्र 998 रुपये में मिल जाएंगे। उसके बाद इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, नए सिलेबस के हिसाब से हैं और इसमें करंट अफेयर भी साथ में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा हमारा कोर्स भी अवेलेबल है। ये फुल कोर्स है जहाँ पर आपको वीडियोस भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगी और 11,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। और अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो ये जो नोट्स आपको हैं फ्री में घर पहुँचाए जाएंगे 3,999 रुपये में। तो ये भी ऑफर 20 फरवरी तक है, आज ही ज्वाइन कर लें। अधिक जानकारी के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जो पढ़ते हो उसे अमल में लाना सीखो। हम दिन भर में, खासकर हमारे जो व्हाट्सएप स्टेटस हैं, कई बार फेसबुक पे, तमाम प्रकार की जगहों पर बड़े अच्छे अच्छे कोटेशन भरते हैं। इवन इतने शानदार शानदार कोटेशन होते हैं कि अगर उनमें दो कोटेशन पर भी हम अपनी पूरी ज़िंदगी में अमल कर लें तो हमारी सारी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन हम हज़ारों कोटेशन पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और कभी ज़िंदगी नहीं बदलती, जैसी की तैसी रहती है। तो जो पढ़ते हैं उसे अमल में लाना होगा, तभी आप उन्नति कर पाएंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए मुफ्त प्रवेश बंद कर दिया है, और यह मुफ्त प्रवेश बंद किया गया है भूटान के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन है सही उत्तर। अब कई सारे लोगों ने उत्तर दिया था, उनमें से तीन उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर है कमल सिंह का, दूसरा उत्तर है दुष्यंत यादव का और तीसरा उत्तर है ललित कश्यप का। आप तीनों को बधाई, और आप भी चाहते हैं आपका नाम, आपका कमेंट यहां पर आए, आपका उत्तर यहां पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिवीजन की। कल हमने आपसे जो करंट अफेयर थे उनका रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार कितने रुपए का करेंसी नोट छापती है और 1 रुपए का करेंसी नोट नया छापने वाली है। दूसरा प्रश्न, देश की तीसरी निजी ट्रेन वाराणसी और किस शहर के बीच चलेगी, तो ये इंदौर और वाराणसी के बीच में चलेगी और उसका नाम होगा महाकाल काशी एक्सप्रेस। वहीं तीसरा प्रश्न है कि डीआरडीओ ने कौन सी नई स्ट्राइक रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है और इसका नाम है प्राणस। चौथा प्रश्न है कि किस देश ने भारत को व्यापार लाभ के लिए निर्यात करने वाले देशों की सूची से हटाया है, और यह हटाया अमेरिका के द्वारा। पांचवा प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से जुड़ी बीमारी का नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है कोविड 2019। वहीं छठवां प्रश्न है कि नासा की किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री सहित अगला दल भेजने की योजना है, और ये 2024 तक की योजना है। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य ने भूमिगत जल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है, और ये दी गई है उत्तर प्रदेश को। आठवां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी है, और ये विधेयक है कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020। नवा प्रश्न है, राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इनका आयोजन गुलमर्ग में किया जाना है। दसवां प्रश्न है कि ICC विश्व कप टूर्नामेंट में मैच रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन बनेंगी, और ये है GS लक्ष्मी। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है, तो ये केंद्र का नाम बदलकर कर दिया गया है सुषमा स्वराज के नाम पर, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सरकार ने क्या किया है, नई दिल्ली में जो प्रवासी भारतीय केंद्र है उसका नाम बदल दिया है, और उसका नाम बदल कर दिया सुषमा स्वराज भवन। उसके अलावा जो विदेश सेवा संस्थान है उसका नाम भी बदल दिया गया है, और उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया है। ये जो नाम चेंज किया गया है, ये सुषमा स्वराज जी की जो भारतीय कूटनीति के अंदर जो उनका योगदान रहा और प्रवासी भारतीयों की जो उनके द्वारा सेवा की गई, तो उसी के लिए श्रद्धांजलि थी। और अगस्त 2019 में 67 वर्ष की आयु में जो है उनका निधन हो गया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस जो मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस बार का जो दिवस का विषय था रेडियो और विविधता, ये इस बार का विषय था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। ये जो दिवस था, इसका आयोजन जनता और मीडिया में रेडियो का क्या महत्व है उसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि तीसरा प्रश्न है कि एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं IAS अधिकारी राजीव बंसल, यानी कि ए ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो नागालैंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं राजीव बंसल, और इनको बनाया गया है एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये काम कर रहे हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इस मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में ये काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो हेबेलो डिसूजा ये 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे हैं, और ये जो है पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं, यानी कि डी ऑप्शन है, सी नहीं, डी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो हेबेलो डिसूजा, और ये 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुँच गए हैं, और ये उनकी पहली बार जो है भारत यात्रा पर आ रहे हैं। और राष्ट्रपति मार्सेलो जो है वो अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, उसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा भी जाएंगे। बात हम पुर्तगाल की करते हैं, इसकी राजधानी लिस्बन है, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है, मुद्रा यहाँ की जो है पुर्तगाली स्कूडो है। चलिए मैप में मैं आपको पुर्तगाल लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको पुर्तगाल जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको यूरोप दिखाई देगा, और यूरोप में ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का, यहाँ पर यही देश पुर्तगाल है। सबसे पहले वास्को डिगामा जो था वो इसी देश का निवासी था, जो भारत पहुंचा था 1498 में। इसके पास में जो देश लगा हुआ है वो स्पेन लगा हुआ है, जिसकी राजधानी मैड्रिड है, और ये पुर्तगाल है जिसकी राजधानी लिस्बन है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ अटलांटिक ओशियन लग जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। पाँचवा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, और ये स्थापित होना है मुंबई में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बृहन मुंबई नगर पालिका यानी कि BMC जो है उसने मुंबई के 90 जो स्टेशन हैं उन पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र इसके स्थापित करने को मंजूरी दे दी है, और 90 स्टेशनों पर जब ये निर्माण हो जाएगा तो इसके बाद BMC जो है दिल्ली को पीछे छोड़ देगा और भारत का सबसे बड़ा निगरानी नेटवर्क बन जाएगा। अभी वर्तमान की बात करें तो मुंबई में 38 मॉनिटर लगे हैं जो वायु की गुणवत्ता को मापते हैं। अच्छा, पूरे देश में वायु की स्थिति को ठीक करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए वायु राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम के नाम से भी शुरुआत की गई है, ताकि वायु की जो गुणवत्ता है वो सुधारी जा सके। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि छठवां प्रश्न है कि हाल ही में नौसेना के किस संस्थान को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया गया है, और प्रेसिडेंट कलर ये बड़ा सम्मान होता है, और ये प्रदान किया गया है INS शिवाजी को, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो महाराष्ट्र की यात्रा पर थे, और महाराष्ट्र के लोनावला में भारतीय नौसेना की जो INS शिवाजी है उसको प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया गया। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं IAS के नाम से कि भाई ये जो होगा या तो युद्धपोत होगा या पनडुब्बी है, तो ये ना तो युद्धपोत है ना पनडुब्बी है। पहले तो ये देख लीजिए कि जो प्रेसिडेंट्स कलर है वो किसी सैन्य इकाई को जो दिया जाता है वो सबसे बड़ा सम्मान है। अब INS शिवाजी की बात करें तो ये एक प्रशिक्षण फैसिलिटी केंद्र है जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये नौसेना का तकनीकी प्रशिक्षण फैसिलिटी है। INS शिवाजी जो है यहाँ पर नौसेना के अलावा भारतीय तटरक्षक बल और अन्य मित्र देशों के जो सैनिक होते हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन हुआ है भुवनेश्वर में, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल है यानी कि NDRF, उसके द्वारा दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 ये आयोजित किया गया था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, आप याद रखेंगे, राइट। और अभ्यास का जो आयोजन था वो 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2020 के बीच में किया गया। अभ्यास किया गया बाढ़, भूकंप, तूफान, इस प्रकार की जो आपदाएं होती हैं और उनसे जो मौजूदा आपातकालीन प्रक्रियाएं हैं उनका परीक्षण किया गया कि किस प्रकार से हम उनसे बच सकते हैं। बात हम बिम्स्टेक की करेंगे तो बिम्स्टेक जो है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देशों का समूह है, और इसमें वो देश स्थित हैं जो बंगाल की खाड़ी के निकट में स्थित हैं। 6 जून 1997 को इसकी बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सदस्य देशों की बात करें तो भारत तो है ही, उसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड भी इसके सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आठवें प्रश्न की कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं G. नारायणन, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं G. नारायणन, और इनको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब ये द न्यू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, तो ये जो है
इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। क्या काम करेगी? तो इसका गठन अभी हाल ही में किया गया है और इसका काम जो है कि स्पेस मार्केट के अंदर जो वाणिज्यिक अवसर हैं उन अवसरों का किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा। 23 मई 2019 को इसका जो उद्घाटन किया गया था वो बेंगलुरु में किया गया था न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड का। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि हाल ही में BARC राइट बार्क कहा जाता है इसको, इसने किस नाम से हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है और ये विकसित किया गया है भावा कवच के नाम से, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है बार्क है, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा की गई थी। तो इसने भाभा कवच के नाम से एक नया बुलेट प्रूफ जैकेट जो है निर्मित किया है और इस जैकेट का उपयोग जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF है उसके द्वारा किया जाएगा और काफ़ी हल्का है ये, और इस जैकेट के बाद भारत जो है बुलेट प्रूफ जैकेट के आयात में कमी आएगी और मेक इन इंडिया पहल जो है इसको बढ़ावा मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि पहली बार किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार दिया गया है मनप्रीत सिंह को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारतीय पुरुष टीम हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह और इनको FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको दिया गया है, ये पुरस्कार इन्होंने जीता है और पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। बात करेंगे अब आज के सवाल की, आज का हमारा सवाल है कि भारत को हराकर कौन सा देश पहली बार क्रिकेट अंडर 19 विश्व चैंपियन बना है। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर दीजिएगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। ये वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।